एक और अहम मामला मध्य प्रदेश का, वो है वकीलों की हड़ताल। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग पर आज प्रदेश में वकील प्रदेशव्यापी हड़ताल कर रहे हैं। 3 मंत्रियों के प्रोटेक्शन एक्ट बिल का विरोध करने पर वकील बेहद नाराज हैं। हड़ताल के दौरान वकीलों ने किसी भी अदालत में मामलों की पैरवी नहीं की। चलिए जबलपुर का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। विजेंद्र, प्रोटेक्शन एक्ट इसको लेकर सरकार संजीदा है, एक तारीख भी तय हो गई, 20 तारीख को एक मीटिंग कॉल की गई है। कानून मंत्री भी कहते हैं कि हो सकता है कि इसी सत्र में उसको लेकर के बिल लाया जाए और उसके बाद में फिर शायद ये एक्ट लागू हो जाए, लेकिन आज का जो विरोध है, क्या मंत्रियों के इनकार के बाद उनके प्रति नाराजगी व्यक्त करने को लेकर है या पहले से ही ये कॉल था? जी हाँ पुनीत, एमपी स्टेट बार काउंसिल ने पहले ही आज हड़ताल का कॉल कर दिया था और ये तमाम जो अधिवक्ता संघ थे उनके साथ बैठक करने के बाद ये फैसला लिया गया था। लिहाजा जब सरकार की ओर से पॉजिटिव साइन दिए गए उसके बावजूद बार काउंसिल अपने फैसले से पीछे नहीं हटी और आज पूरे मध्य प्रदेश में हड़ताल की गई जिसमें हाईकोर्ट सहित किसी भी अदालत में पैरवी नहीं की गई। महत्वपूर्ण बात इसमें पुनीत ये भी है, चूंकि हाईकोर्ट जबलपुर हाईकोर्ट का ही जजमेंट है जिसमें साफ कहा गया है कि इस तरह की जो वकीलों की हड़ताल है वो अवैध है, इसकी पूर्व सूचना हाईकोर्ट को दी जानी चाहिए और इस तरह से सामूहिक तौर पर एक दिन दो दिन की जो हड़ताल है वकील नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने भी जबलपुर हाईकोर्ट के इस जजमेंट पर मुहर लगाई है। एक बात यह है जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की गाइडलाइन की बात है, फैसले की बात है। दूसरी बात महत्वपूर्ण यह भी है कि राज्य सरकार ने सीधे तौर पर पॉजिटिव साइन दिए हैं। पीसी शर्मा जो विधि मंत्री हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि 20 जुलाई को सीएम कमलनाथ इसी मुद्दे पर बैठक करेंगे और बहुत मुमकिन है कि इसी विधानसभा के सत्र में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लाया जाए। लेकिन ये दो चीजें हैं जिसमें हाईकोर्ट की एक जजमेंट है और सरकार का पॉजिटिव साइन है, बावजूद इसके वकील हड़ताल पर कायम है। इसके पीछे एक इंटरनल पॉलिटिक्स भी है पुनीत, चूंकि मध्य प्रदेश एमपी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के साथ साथ जो स्टेट बार काउंसिल है इसके इलेक्शन कुछ ही दिनों में होने वाले हैं और वकीलों के बीच में भी एक प्रतिस्पर्धा है। जो वकील ये चुनाव लड़ रहे हैं वो कहीं भी एक दूसरे से पीछे होना नहीं चाहते और यही वजह है कि लगातार हड़ताल को के फैसले पर कायम रहा जा रहा है। साथ ही साथ जब पक्षकार इतने बड़े पैमाने पर परेशान है प्रदेश भर की अदालतों में, उसके बावजूद स्टेट बार काउंसिल ने दो टूक कह दिया है कि अगर इसी मानसून सत्र में इस बिल को सरकार अमली जामा नहीं पहनाती है, एक्ट नहीं लगाया जाता है, तो प्रदेश के जो तमाम 1,00,000 वकील हैं वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं। जो समझा जा सकता है कि पॉजिटिव साइन मिलने के बावजूद वकील जो है पीछे हटना नहीं चाहते, आर पार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं और जिस तरह से हड़तालों का ये सिलसिला चल रहा है उसे देखकर ये माना जा सकता है कि वकीलों की इसमें इंटरनल पॉलिटिक्स भी है, चूंकि स्टेट बार काउंसिल के चुनाव भी हैं, उसके मद्देनजर भी वकील जो हैं खासे मुखर हैं इस विरोध को लेकर और तब तक हड़ताल की बात कह रहे हैं जब तक कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को अमली जामा नहीं पहनाया जाता। इस बीच सरकार की ओर से पॉजिटिव साइन दिए गए हैं। पीसी शर्मा के बयान का जिक्र किया उन्होंने, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात को कहा है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ संजीदा हैं इस एक्ट को लेकर और साथ ही साथ विधानसभा के इसी सत्र में इस बिल को लाया जा सकता है। पुनीत, एक बात और तय है विजयन, जैसा आप बता रहे हैं कि चूंकि चुनाव है, बार के चुनाव है और उसको लेकर के कोई किसी से पीछे रहना नहीं चाहता, तो अगर सरकार इस पर आगे बढ़ती है और 20 को मीटिंग में एक सहमति बना करके इसे ले भी आती है तो शायद फिर इसके बाद इसके श्रेय को लेकर भी पॉलिटिक्स हो सकती है। इसको लेकर भी तमाम तरह के गुट जो हैं, जो आज एकता प्रदर्शित कर रहे हैं या एकता के नाम पर अपने कॉल पर कायम है कि आज हम हड़ताल करेंगे लोगों की दिक्कतों को दरकिनार कर, तो शायद इस पर श्रेय की राजनीति भी आगे दिखाई पड़ेगी, ये भी तय। बेशक तय है, क्योंकि जब यह बिल लाया जाएगा तब उसमें यह साफ हो पाएगा कि वकीलों की मांग क्या थी, क्योंकि ड्राफ्ट जो था स्टेट बार काउंसिल की ओर से पहले दिया गया था इस एक्ट का कि किस तरह के प्रोविजन इसमें होने चाहिए ताकि वकीलों पर अगर हमले की घटनाएं होती हैं तो किस तरह से उसमें प्रोविजन हो, नॉन बेलेबल ऑफेंस इस चीज को बनाया जाए। जब यह बिल विधानसभा में आएगा या एक्ट का रूप लेगा तब पता चलेगा कि सरकार ने ड्राफ्ट के मुताबिक कितनी मांगे मानी है और उसको लेकर भी डिस्प्यूट हो सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि अगस्त 2012 में जब शिवराज सिंह चौहान मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने
उन्होंने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने का आश्वासन दिया था और उसके बाद से तकरीबन 7 साल का यह अरसा पुनीत देखें, इसमें कई बार वकील हड़ताल कर चुके हैं और चूंकि जब भी बार काउंसिल के या स्टेट बार काउंसिल के कभी भी जब चुनाव होते हैं तब उसके आसपास ये विरोध जो होता है वकीलों का और बढ़ जाता है, चूंकि इलेक्शन होता है, इंटरनल एक पॉलिटिक्स की स्थिति होती है वकील समुदाय में भी, तो इस तरह की हड़तालें होती आई हैं और अब जबकि ये बिल सरकार का पॉजिटिव साइन है जिस तरह से पीसी शर्मा ने कहा है, अब लेकिन जब ये आएगा तब देखना होगा कि इसके प्रोविजन के मुताबिक वकील कितने संतुष्ट होते हैं। फिलहाल तो इस बात पर तमाम वकील अड़े हुए हैं, स्टेट बार काउंसिल ने भी साफ कर दिया है कि जब तक बिल को अमली जामा नहीं पहनाया जाता तब तक वकीलों का रुख यही रहेगा और अनिश्चितकालीन हड़ताल की भी चेतावनी एमपी स्टेट बार काउंसिल ने दे दी है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र आपका इस पूरे डिटेल के लिए, सारी जानकारी के लिए।